नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेसी समुदाय सब आई घरी पावन मनाओल मनाब रहल, परिवारक सुख शांति के लिए कुल देवता के पूजा करवाक परंपरा। मधेसी मोर्चा दबाव दिला से स्थानीय चुनाव के मिति घोषणा हो नहीं सकल, प्रधानमंत्री दहाल द्वारा स्वीकार। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस देशभर चुनाव अभियान संचालन करत। महाभियोग सिफारी समिति तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की ऊपर महाभियोग लगाब नहीं पड़त, निष्कर्ष निकाललक। आ बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लिए बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र सब के चारिम शिखर सम्मेलन नेपाल में हाथ। अब समाचार विस्तार से। आई घरी पावन मधेसी समुदाय कुल देवता पूजा आराधना का पावन मनाब रहल छत। घरी पावन में घर परिवार में सुख आ शांति के लिए कुल देवता के पूजा कैल जाते है। पावन में व्रतालु लोग दिन भर निराहार व्रत बैस के साँझ में पूजा पाठ का उपवास तोड़ के परंपरा है। पावन में व्रतालु महिला लोग घरी आकार के पूरी बनाकर कुल देवता के चढ़वे छथि। पावन में दालि पूरी दही खीर पान सुपारी लगात प्रसाद आ पूजा के सामग्री प्रबंध कैल जाते है। ई पावन अपन कुल देवता के रिझाव के लिए, हुनका मनाब के लिए, हुनकर कृपा प्राप्त कर के लिए व्यक्ति ई पर्व के करे छे। ई पावन परिवार जात आ कुल देवता अनुसार फरक फरक महीना आ दिन में मनाओल जात है। एक जात समेत फरक फरक समय में घड़ी पावन मनबे छथि। किछ गोटे वर्ष में दू बेर समेत त किछ गोटे एक वर्ष में एक बेर ई पावन मनबे छथि। घड़ी पावन विशेष कर श्रावण आश्विन माघ फागुन आ वैशाख महीना में मनाओल जात है। तहिना बैरागन दिन अर्थात बुध दिन, सोम दिन, शुक्र दिन आ शनि दिन समेत ई पावन मनबैत है। विभिन्न जात जाति सब अपन अपन कुल देवता का जना कारी बनी गौरैया सोखा आदि का पूजा अपन अपन दिन के करे छथि। जना मास के हिसाब से यदि कहल जाए तो माघ मास में सेहो ही घड़ी पावन कल जाए छै, तहि श्रावण मास में विशेष क के घड़ी पावन होइ छै, तेनाहि क के बैसाख में सेहो होइ छै। किछ किछ व्यक्ति के घड़ी पावन फाल्गुन में सेहो सम्पन्न करै छथि। अइ तरहे घड़ी पावन क के अपना कुल देवता के सब व्यक्ति और जात जाति अपना हिसाब से समुदाय अपना हिसाब से ई पावन के करै छथि। घड़ी पावन में कारिक सोखा बंदी गोरैया विषहरा मीरा हनुमान गोविंद लगातक कुल देवता सब के पूजा पाठ कैल जाते है। ऐ पावन में कुल देवता के पूजा पाठ कैल गया से ऐ दिन परिवारक सब सदस्य सब घर में इकट्ठा होब पड़ित है। ताहि से घर छूटे घड़ी नहीं कह कहल जात है। घर परिवारक सब सदस्य जमा भ कुल देवता के पूजा के घड़ी पावन मनाओल जा रहा है। इस संदर्भ में सर्वसाधारण सबसे पूछने चलो घड़ी पावन के महत्व की छैक। आक बात जहिना के तहिना घड़ी पावन करे छै, मुआ ते मटकोरा करे छै, बेटा के सबनी अच्छा होइला, निमन होइला, निमन के लेल अपना देवता के लेल पावनी करे छै। तो घड़ी पावनी लोग कला करे छै, से पावनी के नेमे है। तो घड़ी पावनी माघी घड़ी होइ छै, तो लोग गोसाई कला पूजे से बेटा ला बेटी ला घर वाला ला धन दिखला देश मांगला। मतलब घड़ी पावनी हमरा सबके कुल देवता है। कुल देवता के साल में दूटा पावनी होइ है, जना एगो माघ में भेल, एगो सावन में भेल। तो जना अपन कुल के मानै छी तेना कऽ के अपन पूरी खीर सब कुल के देवता के अपन मनबै छी। परम्परा जे है से मतलब कुल देवता इष्ट देवता के अपन पूजा पाठ करैत गेलियै, घर के अपना रक्षा कार्य के लागि जे सब दिन से हम पूजेलियै, ते ढंग से चलि रहल है। बाबा दादा पूजलै है, ओहि ढंग से जे है हमसब बाल बच्चा सब धियापुता सब अहिना चलैत जेतै सब दिन। घड़ी पवनी करी अपन कुल देवता के करी है, अपना रक्षा करे लगे बाल बच्चा के सबके अच्छा करे लगे पवनी के जाई है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड मधेसी मोर्चा दबाव दिला से स्थानीय चुनाव के मिति घोषणा होब नहीं सकल, स्वीकार कलने।
प्रधानमंत्री दहाल मधेसी मोर्चा अन्य पक्ष के समेत साथ मिलकर चुनाव के मिति तय कर सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रख लेने चितवन के भरतपुर विमानस्थल में स्थानीय संचार कर्मी सब संगे बातचीत करते प्रधानमंत्री दहाल बैसाख जेठ भीतर चुनाव सम्पन्न भ जेबाक दावी समेत कलन ओ सरकार चुनाव आयोग के पत्राचार केने से समेत निर्वाचन सम्पन्न करेबाक आधार तय भ चुकल दावी कलने प्रधानमंत्री दहाल संविधान संशोधन पारित कराब पहल करबाक आ ओहन नहि भेल त समझदारी बनाए के चुनाव के मिति घोषणा कैल जेबाक पुराने अडान दोहरौलने मधेसी मोर्चासँग वार्ता चलिराखेका छ एउटा समझदारी बनाउने आवश्यकता छ उहाँहरूले हाम्रो बारेमा समझदारी भएपछि मात्रै गते तोक्दा ठिक हुन्छ भन्ने मञ्चन देखाएपछि अवधि तोकिएको छ गते कुनै पनि बेला समझदारी हुने बित्तिकै तोकिन्छ मधेसी मोर्चा र अरूलाई पनि सामेल गरेर चुनाव गराउनु छ त्यसको निम्ति मात्रै टेक्निकल्ली त्यो गते नभनिएको हो तपाईँहरूले र सबै नेपाली जनताले बुझिसकेको कुरा छ कि चुनाव चाहिँ एउटा निश्चित मितिमा वैशाख जेठभित्रै हुन्छ प्रधानमन्त्री दहाल सरकार चुनाव के ध्यान में राखकर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग के प्रतिवेदन छानबीन कर मंत्री स्तरीय कार्यदल बनाने समेत स्पष्ट कलन ओ सरकार चुनाव के स्वच्छ निष्पक्ष आ धांधली रहित बनाब समेत विद्युतीय मशीन के प्रयोग कर लागल जानकारी समेत करौलने प्रधानमंत्री दहाल चुनाव के तैयारी भ चुकल समेत दावी कलन संविधान संशोधन विधेयक जुन छ त्यसलाई पारित गराउने नै पहिलो कोसिस हुन्छ अब पारित हुन अप्ठ्यारो भयो भने केही दिनभित्र समझदारी बनाउने पनि अर्को कोसिस चलिराखेको छ र अहिले फेरि स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनमाथि कार्यदल बनाएर क्याबिनेटले 15 दिनको अवधि दिएको छ यो सबै कुराको एउटा समझदारी बनिसकेपछि निर्वाचनको मिति पनि तोकिन्छ तयारी चाहिँ अति नै देखि सुरु भइ नै सक्यो प्रधानमंत्री दहाल सरकार के सहयोग कर विपक्षी एमाले सहित के दल सबके समेत आग्रह कलन एम्हर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल चितवन में निर्माण होबय लागल चितवन औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र के बुधदिन शिलान्यास कलन करीब 30 करोड़ रुपया के लागत में निर्माण सम्पन्न होबय के लक्ष्य राखल गेल चितवन औद्योगिक प्रदर्शनी के भरतपुर में उद्घाटन करते प्रधानमंत्री दहाल उक्त प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण के लिए सरकार 15 करोड़ रुपया अनुदान देबाक निर्णय के जानकारी समेत दलन प्रधानमंत्री दहाल पछिल्का बेर चितवन अयला पर स्वयं चितवन के विकास के लिए पैकेज लेबाक घोषणा के अनुसार करीब 70 करोड़ रुपया बराबर के विकास बजट सार्वजनिक कलने ओ औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र के निर्माण के लिए सरकार और रकम थप करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन चितवन नगर पालिका के शारदा नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगशाला निर्माण के लिए सरकार 50 करोड़ रुपया बराबर के बजट छुटिएबाक तैयारी कर रहा समेत प्रधानमंत्री दहाल बतौलन उक्त रंगशाला निर्माण भेल त स्थानीय खेलकूद क्षेत्र के विकास में सहयोग पहुँचबाक दहाल के विश्वास है तहिना भरतपुर आ पूर्वी चितवन के परसा में 4-4 करोड़ रुपया के लागत में कवर्ड हॉल निर्माण करबाक पांचों निर्वाचन क्षेत्र में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में 50 लाख रुपया के लागत में सुविधा सम्पन्न खेल मैदान बनेबाक भरतपुर उप महानगर पालिका में सिटी हॉल निर्माण करक लेल सरकार आवश्यक बजट के व्यवस्था केने समेत प्रधानमंत्री दहाल आश्वासन दलन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस देशभरि चुनाव अभियान संचालन करत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आ वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल देश निर्वाचन में जा चुकल उल्लेख करते देशभरि अभियान संचालन कर पार्टी नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन समेत दलने पार्टी तत्कालीन सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला स्मृति में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में बजट सभापति देउवा चुनाव समय में होबाक में निर्धक्क रह समेत सब में आग्रह कलन ओ किछ समय भीतरे पार्टी केन्द्रीय समिति निर्वाचन के एजेंडा तय करबाक समेत स्पष्ट कलन एक वर्ष भीतर तिरुतह के चुनाव में होबला बात निश्चिंत भगेला शंका नहीं कर आग्रह करे तो चुनाव में तैयारी में जुटा पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिलन सभापति देउवा स्थानीय तह के निर्वाचन में जाए पर बाक धारणा समेत रखलन आप संविधान अनुसार स्थानीय तह के निर्वाचन के तैयारी में जुटा पड़त हुना कहब छलन सभापति देउवा चुनाव सम्पन्न कैल गेल त संविधान कार्यान्वयन होबाक आ संविधान कार्यान्वयन भेल त पार्टी के तत्कालीन सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला प्रति सच्चा श्रद्धांजलि समेत होबाक धारणा रखने से लेते तीन वर्ष बाद फैसला पड़ सकते हैं इसलिए संपूर्ण साथ ये लोग तो यार फैसला पड़ सकते हैं ये हमारे नाम में बाहर पार्टी लेता है देखते हैं सुनिए साथ सुना होने चाहिए होने सुना भरे अब फिर होते होने में सुना होने चाहिए कुने किसी को बांध बंद रहे काम के सुना होने चाहिए सिर्फ सुशील को ऐसे सब दर्द प्रिय सब कुछ है उस बहुत बार उसे आगे तो निर्वाचन ऐन पास भइसक्यो
अब अहिले पनि रोकिया छैन। अब थ्रेसहोल्डको कुरा चाहिँ नि अहिले गर्ने गर्ने कुरा बाँकी छ, तर स्थानीय तहसँग पनि निर्वाचन अहिले पास भइसकेका छ। यसका अर्थ नेपाल चुनावको अवस्था गइसक्यो। हाम्रो पार्टीले चाहे मात्रै हुँदैन, सहमति चाहिन्छ। यसमा माओवादी पार्टी र अरू कति पार्टीहरू चाहिँ स्थानीय इकाइमा तयार छैन, त्यसका अर्थ स्थानीय तहहरू त्यसपछि सकिन्छ भने यो इलाका आधारमा त्यो निर्णय गर्नु माथि पनि सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसका अर्थ स्थानीय तहमै हामीले दक्षिण इकाइ भने पनि तह बाहिर हुनु सक्ने स्थिति छैन। हामी त्यस किसिमले माइन्ड नेटवर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तत्काल स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर प्रभागमा जोड दिलाइन। ओ संविधान जारी गर बेरमे पार्टीकै तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले नै दृढताके स्मरण गरेत। आब कांग्रेस संविधान कार्यान्वयन गरक लेल चुनाव सम्पन्न गरके अठोट लेबा प्रभाग उल्लेख कयलनि। ओ चुनावके तयारीके लेल देशभरि अभियान सञ्चालन गर पार्टी केन्द्रीय समितिके विचार बजाब सभापति देउबाके आग्रह समेत कयने छलथि। यदि हामी चाहिँ यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुराको घोषणा परिकल्पना गर्ने हाम्रा नेता बजेट कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चुनाव समयमै सम्पन्न गर सकल गेल त सुशील कोइरालाप्रति सत्ता श्रद्धाञ्जली होबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। सुशील कोइराला नेतृत्वक सरकार संविधान जारी कयने उल्लेख करैत ओहिमे कार्यान्वयन करेबाक दायित्व समेत अपने पार्टी कांग्रेसके भेल हुनक कहब छलनि। नेपाली कांग्रेसके सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला के अडान के कारण संविधान जारी भेल छल। कोइराला के नेपाली राजनीतिमा त्यागी आ संघर्षशील नेताके रूपमा समेत लेल जाइत अछि। विपरीत ध्रुवमे खार भेल राजनीतिक दलसबके मिलाकर संविधान जारी कयलासँ हुनका सफल नेताक रूपमे समेत स्मरण कयल जाइत अछि। कोनो समेत लोकतान्त्रिक देशके संचार माध्यम सब चुनावी गतिविधिमे केनाके समाचार सम्प्रेषण करैत अछि ताहि उद्देश्यके साथ जानकारी आ छलफल करक सन्दर्भमे जनकपुरके पत्रकार सबके एकटा सेमिनारके जानकारी कराओल गेल अछि। जनकपुरके करीब दू दर्जन पत्रकार सब सङ्गेके एकटा सेमिनारमे त्रिभुवन विश्वविद्यालयके पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागके प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर चिरञ्जीवी खनाल चुनावके बेरमे पत्रकार सब वहन गर पर्वा दायित्व आ कर्तव्यके विषयमे छलफल आ जानकारी आदान प्रदान कयने छलाह। अरूको कार्यक्रमहरूमा जाने सहभागी हुने र अरूको कुराहरू मात्रै लेख्ने गर्छौँ धेरै जसो, तर हामी आफ्नै मिडियाकै कार्यक्रमहरूमा एकदमै थोरै सहभागी हुने मौकाहरू पाउँछौँ। र वास्तवमा यो पनि एउटा मिडियासँगै कुरा गर्ने, मिडियाको साथीहरू मात्रै बसेर कुरा गर्ने यो अवसर भएको हुनाले हामी यसमा यो विषयमा यहाँ खुलेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। उस सेमिनारमा जापान स्थित एनएचआर मिडिया ग्रुपके पत्रकार तथा सम्पादक सहितक जापानिज प्रतिनिधि लोकनि जापान सुडान केन्या सहितके देश सबमे चुनावी माहौलमे ओतके सञ्चार जगतके गतिविधि आ प्रस्तुतिके विषयमे अपन अपन प्रस्तुति रखने छलथि। वरिष्ठ पत्रकार रामभरत शाहके अध्यक्षतामा भेल कार्यक्रमके सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषा केने छल त जापानिज संस्था जिका आ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभाग संयुक्त रूपमे सेमिनारके आयोजना कयने छल। जनकपुरके पत्रकार सबके निर्वाचनके बेरमे कयल जायवला समाचार सङ्कलनमे सहयोग पुगौक आ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारके निर्वाचन कवरेजके विषयमे समेत एतयके पत्रकार सबके जानकारी होक ताहि उद्देश्यसँ सेमिनारके आयोजना कयल गेल छल। समारोहके अन्तमे वरिष्ठ पत्रकार ब्रिज कुमार यादव सहितक अपन अपन धारणा रखने छल त जनकपुरक पत्रकार लोकनि विभिन्न जिज्ञासा समेत जापानिज प्रतिनिधि लोकनि सबसँ रखने छलथि। नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युट सेन्ट्रल इन्जिनियरिङ कलेज सिइसी नव आगन्तुक विद्यार्थी सबके भव्य स्वागत कयलक अछि। इन्स्टिच्युट बुध दिन जनकपुरमे भव्य समारोहके आयोजना कऽ 22वाँ ब्याचके नयाँ विद्यार्थी सबके स्वागतके साथै उत्कृष्ट विद्यार्थी सबके पुरस्कृत आ सम्मानित कयने छल। कार्यक्रममे कलेजके अध्यक्ष विजय कुमार झा, कलेजमे अध्ययन कयने विद्यार्थी सब उच्च ओहदामे पहुँच सफल भेलमे स्वयं सब गौरवान्वित महसुस कयने दावी कयने छलथि। जनकपुर क्षेत्र का है ना, नेपाल है ना, विश्व को विकसित देश सम्म हमारा विद्यार्थी पुगी सके छन्। मेरो सपना र लक्ष्य मेरा प्रत्येक छात्र छात्रा अर्को विजय कुमार बनुन् र दुनिया को जुन कुनामा जाउन् एउटा दीप बालुन्। प्रत्येक दीप म विजय कुमार छ।
टेक्निकल का कुरा करने हो बने 2053 साल में मलाई मान्छेलाई भन्नु पर्छ प्राविधिक के हो। तेह्रा कलेज के व्यवस्थापन प्रमुख बबलू झा अई कलेज में अध्ययन करा वाला विद्यार्थी सब के लिए रोजगारी के लिए समेत सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनाउने छलेत। धेरै ठाउँमा जुन विद्यार्थीसँग सम्पर्क गर्छौँ त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ फलानो ठाउँमा इङ्गेज्छौँ। बेरोजगार मैले हेरिरहेको छैन, यदि कोही बेरोजगार तपाईँको साथी छ हाम्रो कलेजबाट प्रडक्ट भने तपाईँ भोलिको मितिदेखि हामीसँग सम्पर्क गर्न भनिदिनुहोस्, हामी उसको बारेमा पनि सोचिरहन्छौँ के गर्नु। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना समेत कैल गेल छल। गीत गान आ नृत्य कलात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण कैल गेल छल। कलेज के विद्यार्थी सब द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना कैल गेल। कलेज नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर शाखा प्रमुख जितेन्द्र झा के सम्मान समेत कने छल। सीईसी कलेज में इंजीनियरिंग व्यवस्थापन नर्सिंग लगायत संकाय में अध्ययन अध्यापन होइत आयल अछि। 2003 साल में स्थापना भेल कलेज में 700 से बेसी विद्यार्थी सब एखन अध्ययनरत अछि। नेपाल विद्यार्थी मंच के रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस इकाई समिति गठन कैल गेल अछि। मंच के बुधदिन बैसल बैसार से मुकेश कुमार चौधरीक नेतृत्व में कई सदस्यीय इकाई समिति गठन कैल गेल अछि। समिति के उपाध्यक्ष में गिरिधारी शाह, सचिव में उदय शाह, कोषाध्यक्ष में रंजना चौधरी, सहसचिव में जय कुमार यादव रहल छथि। तहिना सदस्य सब में बीनू महतो, राम प्रकाश यादव, मनीष कुमार शाह लगायत सबके अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता विष्णुदेव शाह के 16 स्मृति दिवस मनाओल गेल अछि। धनसाक नवाखोर प्रसाई में बुद्धिन शाह के याद में श्रद्धांजलि सभा कैल गेल छल। सभा में पूर्व सांसद स्मृति नारायण चौधरी, नेपाली कांग्रेस धनुषा सचिव संतोष यादव, कोषाध्यक्ष हरिनारायण शाह, क्षेत्र नंबर 6 के सभापति दीप नारायण यादव, सबैला नगर सभापति विजय शंकर शाह, गणेश मान चारनाथ नगरपालिका के सभापति रामसुख यादव लगायत सबके सहभागिता छल। नेता शाह के माओवादी द्वंद के बीर में 2057 साल में हत्या कैल गेल छल। नया शक्ति पार्टी नेपाल के संयोजक एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, नमहर दल सब अपन अपन नेतृत्व के सरकार मात्र चुनाव कराब सकत वही दाव में रहला से चुनाव असमंजसता में पड़ल आरोप लगौलन। प्रेस सोसाइटी मकवानपुर बुधदिन हेटौड़ा में आयोजना के पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में बजट संयोजक भट्टराई सहमति के आधार में संविधान संशोधन कर स्थानीय प्रदेश आ संघीय चुनाव में जाय पड़बाक अवस्था में दल सब अपन अपन दाव में लगला से चुनाव दूर धकला रहल दावी कलन। संविधान कार्यान्वयन भेला के बाद मात्र विकास आ समृद्धि के बात अगाड़ी बढ़त ताहि हेतु एखन के प्रमुख आवश्यकता निर्वाचन रहल हुनक तर्क छलनि। एमाले र माओवादी केन्द्र का तीनवटै नेताहरू को अहिलेको जोड के छ भने यो कसको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने उहाँहरूको ध्यान त्यतापट्टि छ, के को चाहिँ भालुको मन खनाईमाथि भने यस्तो गरेर उहाँहरू यस्तो विपत्तिको बेलामा उहाँहरूको ध्यान भनेको चाहिँ कसको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने। चुनाव त जसको नेतृत्वमा गरे पनि हुन्छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ। संयोजक भट्टराई परिवर्तन के एजेन्डामा भेल विगत के आन्दोलन सेराइत गेला पर दल सब संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन बनित गेल समेत उल्लेख कले। नया शक्ति पार्टी नेपाल स्थानीय तह के चुनाव के केन्द्रित कर दल के प्रमुख नेता सब के देश दौराहा में खटौने अछि। संयोजक भट्टराई समेत चुनाव के तैयारी के लिए काठमांडू बाहर के कार्यक्रम सब में व्यस्त होइत जा रहल छथि। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरा सोव्यू क्रांतिकारी सोव्यू चुनाव समय में सम्पन्न कर प्रतिबद्ध रहल जनौलक अछि। संगठन बुधदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का स्वयं चुनाव के तैयारी उत्साहजनक ढंग से अगड़ी बढ़ल जानकारी करौलक। संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र न्यौपाने स्वयं चुनाव के तैयारी उत्साह के साथ भ रहा कहित वही में समय में सम्पन्न कर अपन संगठन प्रतिबद्ध रहल दावी कलन। ओ उमेर हद लगायत के कारण देखा कर किछ संगठन सब चुनाव के तैयारी नहीं चाहि रहल कहित विरोध समेत जनौने छल। 8 के बाद घोषणा कैल गेल चुनाव समय में हाथ कहित अध्यक्ष न्यौपाने वही में षड्यंत्र कर के काम अन्य संगठन कर रहल आरोप लगाउने छलेहरू बाहिर पनि देखा परेका छन्। यद्यपि हामी खुसी छौँ, हामीलाई एकदमै उत्साहित छौँ। 8 हुन नसकेको सोभियुको निर्वाचन हाम्रै पालामा र हामीले अहिले सोभियु निर्वाचन सम्पन्न गर्ने त्यो चाहिँ अवसर हाम्रा लागि मिलेको छ र हामी त्यो तयारी सहित अगाडि बढेका छौँ र हामी उत्साहित छौँ। तर बाहिर चाहिँ विद्यार्थी संगठनहरूले क्याम्पस क्याम्पसमा कार्यक्रमहरू गरेका छैनन्, आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रहरू सार्वजनिक गरेका छैनन्, केही उमेर हद लगायतको विषय
र पूर्ण समानुपातिक लगायतको विषयलाई लिएर क्याम्पसहरू चाहिँ तालाबन्दीको कुरा पनि चलिराखेको छ। यसैले फेरि पनि स्वयं निर्वाचन हुने होइन कि भन्ने केही आशंकाहरू देखा परिराखेका छन्। र यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा सर्वप्रथम म के राख्न चाहन्छु भने सोभियो निर्वाचन 8 वर्षपछि जुन तयारी सहित हुँदैछ त्यो सोभियो निर्वाचन कुनै पनि हालतले रोकिँदैन र सोभियो निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। संगठन संविधान कार्यान्वयनकै जोड दैत सोभियो चुनावकै नारा समेत तय कयलकै छ। शिक्षा स्वास्थ्य आ रोजगारीकै ग्यारेन्टीकै लेल संविधान कार्यान्वयनकै अभियान समाजवाद उन्मुख विश्वविद्यालय शिक्षा के पक्ष में अखिल क्रांतिकारी के मतदान नारा तय कल गए। संगठन उमेर हद तोक वाला विगत के सहमति विपरीत गतिविधि नहीं कर समेत अन्य संगठन के चेतावनी दिलक। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आगामी फागुन 14 गते स्वीय चुनाव के मिति घोषणा कर चुकल। कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन विभिन्न कैंपस में उमेर हद तोकल गल कहित विरोध प्रदर्शन करते आयल। एम्हर एमाले निकट नेता स्वीय समेत चुनाव के तैयारी में जुटल। अ वर्ष के बजट अधिवेशन संसदीय इतिहास में सबसे लंबा अधिवेशन के रूप में रहत। बजट अधिवेशन लंबा होत गेला पर वही से संबंधित सैद्धांतिक मान्यता सब अब असमंजस में पड़ित गेल। संसदीय अभ्यास में चित्रण होत आयल बजट अधिवेशन में बजट प्रस्तुत करय वाला तथा पास करय वाला आ हिउँदे अधिवेशन में राज्य के विभिन्न निकाय संचालन के लिए आवश्यक पड़य वाला नीति नियम कानून तथा विधेयक बनाबे के जिम्मेवारी रहत। मुदा अ बेर बजट अधिवेशन लंबा होत गेला पर हिउँदे अधिवेशन कर के काम समेत यह अधिवेशन में भ जाए। संविधान में व्यवस्था भेल अनुसार निर्धारित समय भीतर नया कानून बनाव पड़वाक संशोधन कर पड़वाक तथा विभिन्न नीति नियम बनाव पड़वाक भेला से व्यवस्थापिका संसद के बजट अधिवेशन के समय अब लंबा होत जा रहा है। संबंधी काम हम संगसंगे अगड़ी बढ़ाऊ त्यो कारणले चाहिँ नि यो एउटा लम्बिया छ र ती कानुनहरू के भने समय कतिपय कुराहरू समयमै गर्नुपर्ने थियो। जस्तै भनौँ न हामीले यही अधिवेशनमा अदालतसँग अथवा न्याय प्रशासन अदालतसँग चाहिँ नि सम्बन्धित विधेयकहरू पारित गरे जुन विधेयकहरू त्यो समयमा हामीले पारित गरि नै सक्नु पर्थ्यो कि एक वर्षसम्म कतिपय कानुनहरू एक वर्षभित्रै बनाउनु पर्ने कानुनहरू थिए संविधान निर्माणको जस्तै उच्च अदालत सम्बन्धी कुराहरू त्यसै अरू चाहिँ हामी निर्वाचन सम्बन्धी झन्डै 4 वटा कानुनहरू त हामीले भर्खरै मात्रै पारित गरिसकेका छौँ। यो पनि यही अधिवेशनमै गर्नुपर्ने नै थियो। त्यो ती कानुनहरू पारित नहुँदाखेरि निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने कुराहरू नै थियो र त्यही कारणले पनि यो विधेयक सम्बन्धी कुराहरू पनि प्रशस्तै हामीले अहिलेको संसदले काम गरेका छ। र वैशाख 1 गते से सुरु भेल अ वर्षको बजेट अधिवेशन फागुन से 11 महिनामै प्रवेश गरेको छ। अहि बीचमे अहि अधिवेशन से निर्वाचन सम्बन्धी 4 सहित विभिन्न 13 विधेयक पारित कयल गेल छ। तहिनाके 25 विधेयक छलफल के विभिन्न प्रक्रिया में रहल है। संक्रमण काल आ संविधान कार्यान्वयन के दृष्टि से देखला पर बजट आ हिउँदे अधिवेशन के सामान्य अवस्था के सैद्धांतिक संरचना भीतर मात्र रहकर बुझ नहीं होबाक संसद सचिवालय के कहब। हामीले संविधानमै लेखेका छौँ कि संविधान जारी भएपछि निश्चित समयसम्मको लागि एउटा संक्रमणकालीन अवस्था छ यहाँले भनेको कुरा सत्य हो। दोस्रो कुरा के हो भने संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि यो भनौँ न रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले गर्नु नै पर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ नि सामान्य अवस्थाको सैद्धान्तिक फ्रेमवर्कभित्र अथवा ढाँचाभित्र मात्रै बुझ्नु हुँदैन। मुख्य कुरा संसदले कानुन बनाउनुपर्छ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले अलिकति एउटा अधिवेशन लामो भएर त्यसलाई छोटाउने नाममा दुईवटा गर्ने नाममा नगरी नहुने कामहरू संसदले गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले नै लामो भएको हो। यसैले नै संसदीय अभ्यासलाई अथवा यसको सैद्धान्तिक पक्षलाई यताउता पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो प्रचलनमा दुईवटा अधिवेशन भयो भने एउटा अधिवेशन अलि लामो भएको संक्रमणकाल र संविधान कार्यान्वयनकै अवस्था भएको हुनाले यसलाई हामी त्यसरी बुझ्नुपर्छ। संसदीय अभ्यासमै प्री बजेट उपरके छलफल बजेट प्रस्तुत आ पास गरेको काम बजेट अधिवेशनसँग आ नीति नियम विधेयक सब लाभके तथा ओहि उपरके छलफल गरेको काम हिउँदे अधिवेशनसँग होइत आबि रहल अछि। व्यवस्थापिका संसदके महाअभियोग सिफारिस समिति तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की उपर महाअभियोग लगाबके आब जरूरत नै रहल निष्कर्ष निकाल्ने अछि। महाअभियोग सिफारिस उपसमिति बुद्धिन समिति के बुझौने प्रतिवेदन में पदमुक्त भ चुकल कार्की के महाअभियोग लगाबे के जरूरत नहीं रहल निष्कर्ष निकालने समिति कार्की पर लगाओल गेल महाअभियोग छानबीन करके लेल उपसमिति गठन समेत कलक।
कार्की बहाल में रहल समय देने आदेश लेने निर्णय आ कैल गेल पत्राचार के आधार बनौला पर कार्की पर लगाओ गेल महाभियोग पुष्टि भेल रहितो पदमुक्त भ चुकला से संसद महाभियोग लगाब के जरूरी नहीं देखल गेल प्रतिवेदन में कहल गेल। समिति के प्रतिवेदन बुझौला के बाद उपसमितिक संयोजक राम नारायण बिरारी सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार पदमुक्त भ चुकल व्यक्ति के संसद में महाभियोग लगाब नहीं पड़त निष्कर्ष सहित के प्रतिवेदन तैयार कैल गेल जानकारी दिल। उपसमिति कार्की पद में रहला पर केने गैर कानूनी काम विरुद्ध राज्य मुद्दा देव पैबाक समेत उल्लेख कैल गेल। पद में रहल बेर में कैल गेल गैर कानूनी काम में मुद्दा देव पाबक के उपसमितिक संयोजक बिरारी जानकारी करौलन। हामीले गर्न सकेन पदभुक्त भइसक्यो प्रस्तावमा पदमुक्त गरिरहने विषयमा बोलिरहनु परेन। अब जहाँसम्म उहाँ पदावश्यक काम गर्नु भने अयोग्य भए नि योग्य भए नि पदावश्यक त हो फ्याक्ट हो त्यो काम गरे पनि हो। हाम्रो नेपालको प्रचलित कानुनमा जुरिसप्रुडेन्सको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अनुसार उहाँले पदावश्यक गरेको काम वैध हुन्छ कयौँ काम। अब कुन काम अवैध हुन्छ भने कानुन विपरीतको छ भने अवैध उहाँले कानुन विपरीतको काम गर्नुभएको छ संविधान विपरीतको काम गर्नुभएको छ राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्नुभएको छ भने यो अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न खुलै छ। यो अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्ने निकाय को हो त भन्दा संसद होइन। यो कारवाही गर्ने निकाय नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय उदाहरणको निम्ति प्रहरी सिआइबी होइन लगायतका संवैधानिक अङ्गका कुरा गर्नुहुन्छ भने अख्तियार लगायतका चाहिँ विभिन्न निकायले कारवाही गर्न सक्छ। त्यसका कानुन पनि छन् विभिन्न कानुन छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन छ राज्य विरुद्धको अपराध ऐन छ जासुसी सम्बन्धी ऐन छ। उपसमिति बुझाउने 23 पृष्ठ लम्बा प्रतिवेदनमा कार्की उपर लगाओल गेल महाभियोग पुष्टि होबाका आधार देखाओल गेल छ। तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्की अदालतके मानहानि केने पदया आचरण विपरीत गतिविधि केने मेडिकल काउन्सिल उपर हस्तक्षेपका अपन अनुकूल निर्णय कराब दबाब देने समान्तर सरकार चलाब चाहिरहल लगायतका आरोप लगाएका संसदमै महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस कयल गेल छ। उपसमिति बुझाउने प्रतिवेदन समिति अनुमोदन कयलाका बाद संसदमा पेश कयल जात। व्यवस्थापिका संसदसँग कार्की उपर लगाओल गेल महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेबाक वा नै बढेबाक विषयमा आवश्यक सुझाव देव समिति गठन कयल गेल छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगके लेल बंगालके खाडीके प्रयास बिमस्टेकके सदस्य राष्ट्रसभके चारैम शिखर सम्मेलन सन् 2017 के अन्तमे नेपालमे होयत। काठमाडौँमे सम्पन्न बिमस्टेकके उच्चस्तरीय कार्यदलके बैसारसँग आगामी जुन महिनामे मन्त्री स्तरीय बैसार सम्पन्नको एजेन्डा तय करबाक आ सन् 2017 के अन्त धरि आयोजक राष्ट्रके हैसियतसँग नेपालमे चारैम शिखर सम्मेलन कयल जेबाक निर्णय कयल गेल छ। बिमस्टेकके चारैम शिखर सम्मेलन या वर्षके अन्त धरि सम्पन्न करबाक निर्णय लेने परराष्ट्र मन्त्रालयके सचिव शंकर दास बैरागी जानकारी देलन। बिमस्टेकके उच्चस्तरीय कार्यदलके नै निर्णयके विषयमा जानकारी देव आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेत हो। जुन महिनाभित्र बैसवाला मन्त्री स्तरीय बैसारसँग शिखर सम्मेलनके एजेन्डा तय करबाक समेत स्पष्ट कयलनि। सचिव बैरागी सदस्य राष्ट्रसँग बीच छलफलका शिखर सम्मेलनके मिति तय कयल जेबाक समेत धारणा राख्ने छलथि। आगामी जुन महिनामा बिम्स्टेकको 15 मन्त्री स्तरीय बैठकको आयोजना गर्नेछ र यो वर्ष 2017 मैले अङ्ग्रेजी डेट भनिरहेको छु 2017 को अन्तसम्ममा हामीले बिम्स्टेकको 14 शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छौँ। बैसारसँग सदस्य राष्ट्रसँग बीचके व्यापार लगानी पर्यटन ऊर्जा गरिबी निवारण सञ्चार प्रविधिके विकासमे मिलकर काम करबाक निर्णय समेत कयल गेल छ। बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रसँग बीच ठोस रणनीति तय करके योजना समेत बनौलकै छ। अपन स्थापनाके 20 वर्ष पहुँच लागल अवसरमे एहि क्षेत्रके विकासके लेल ठोस रणनीति तय कऽ कऽ अगाडि बढ़के निर्णय समेत लेल गेल परराष्ट्र मन्त्रालय जनौलकै छ। र प्रविधि हस्तान्तरणको क्षेत्रमा विभिन्न छलफल भएर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय आफ नेपालके सम्पूर्ण ध्यान बिम्स्टेक बैसार सम्पन्न गर दिश केन्द्रित होबाक समेत जनौलकै छ। बिम्स्टेकके तेस्रो शिखर सम्मेलन सन् 2014 म्यानमारमै सागर भेल छल। म्यानमारमा भेल शिखर सम्मेलनसँग नेपालका अध्यक्ष राष्ट्रके जिम्मेवारी सहित चारैम शिखर सम्मेलन गरेके जिम्मेवारी देल गेल छ। बिम्स्टेकमा नेपाल बङ्गलादेश भुटान भारत म्यानमार श्रीलङ्का आ थाइल्यान्ड
सदस्य राष्ट्र सब रहा है। एकर स्थापना सन 1997 में भेल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा मालेक नेता एवं पूर्व मंत्री लालबाबू पंडित सरकार आत्महत्या के बाट में अगाड़ी बढ़ रहा टिप्पणी कलने। नेता पंडित समय में चुनाव नहीं कराओल गेल तो सरकार आ सत्ता पक्ष जनता से अलग होबाक चेतावनी समेत दिलन। वो चुनाव में हारब डर से सरकार थर थर काँप रहा जिकिर समेत कलन। भक्तपुर में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजे जेठ भीतर स्थानीय तह के चुनाव सम्पन्न कराबर नहीं सकल गेल तो सरकार के औचित्य समाप्त होबाक चेतावनी समेत दिलन। सरकारले निर्णय गरेनन् भने संविधान कार्यान्वयनको निम्ति सरकार लागेनन् भने यो सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ। अहिले नै औचित्य समाप्त भइसकेको छैन तर जुन बाटो लिइरहेको छ त्यो आत्महत्याको बाटोमा सरकार गइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीहरू सरकार मात्रै ढल्ने होइन कि ती राजनीतिक पार्टीहरू पनि जनताको बीचबाट चाहिँ समाप्तिको बाटोतर्फ लाग्ने छ। यदि चुनाव गर्न र यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति खुट्टा कमाए भने। नेता पंडित अपन पार्टी जल्दी से जल्दी देश में चुनाव सम्पन्न होइक वही पक्ष में खार भेल स्पष्ट कलन। वो मधेशवादी दल सब के चुनाव में जाकर जनता के अभिमत लाइब का संशोधन कर समेत चुनौती दिलन। नेता पंडित देश में विभाजन लाभ के प्रयास भर रहा दावी करते सफल नहीं होब देव के दृढ़ता व्यक्त कने। एमाले सम्बद्ध युवा संघ नेपाल के नवम महाधिवेशन आगामी बैशाख 9-12 गते हेटौड़ा में तय कैल गेल। मुदा माधव नेपाल पक्षधर पदाधिकारी सब संस्थापन पक्ष एकलौटी के कहित अलगे महाधिवेशन के मिति तोक के चेतावनी दिलक। माघ 23 गते से काठमांडू में शुरू भेल मुदा विवाद के कारण बुध दिन मात्र आगू बढ़ल बैसार में अध्यक्ष राजीव पहाड़ी महाधिवेशन के मिति प्रस्ताव कलन। महाधिवेशन के लिए पहाड़ी के संयोजकत्व में महासचिव किरण पौडेल सचिव रहल मूल व्यवस्थापन समिति गठन भेल। बैसार से केंद्रीय सदस्य सब अंजन भट्ट बालिका खड़का आ माधव बिष्ट के संगठन के हित विपरीत लागल कहित कार्यवाही कैल गेल। तहिना किरण पंत के अमेरिका बसोबास के कारण विदा कैल गेल प्रवक्ता प्रभात विक्रम कटवाल बतौने छलथि। मुदा युवा संघ उपाध्यक्ष दिल कुमारी पंत महाधिवेशन के मिति अलगे घोषणा होबाक चेतावनी दिली। वो कहली उ सब पार्टी के नियमावली नहीं मानब कहि रहल छथि। हम सब केना कऽ हुनका सबके निर्णय मान सकै छी। महाधिवेशन के मिति घोषणा करब आ अलगे महाधिवेशन करब काठमांडू में करब हुनक चेतावनी छलनि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बजट के स्रोत सुनिश्चित नहीं भेला से पुनर्निर्माण के काम के गति देव नहीं सक रहा स्पष्टीकरण दिलक। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद पोखरेल आवास निर्माण के लिए दोसर किस्ता के बजट व्यवस्थापन में समेत समस्या देखल गेल स्पष्ट कल। व्यवस्थापिका संसद के सार्वजनिक लेखा समिति के बुध दिन के बैसार में प्राधिकरण में एखन भ रहा काम कार्यवाही के विषय में जानकारी करबैत हो बजट के स्रोत सुनिश्चित नहीं भेल उपराग चुनौलन। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल प्राधिकरण में जनशक्ति के अभाव भेल आ ओकर पूर्ति करे के प्रक्रिया समेत झंझटा भेल स्पष्ट कलन। प्राधिकरण पूंजीगत खर्च कर नहीं सकनाय में जनशक्ति के अभाव के मुख्य कारण देखौलक। अर्को चाहिँ 50,000 दियो मान्छेले जब राख्यो तर हाम्रो दोस्रो किस्ता पाउनुपर्ने के छ भने उहाँहरूले प्राविधिक मापदण्ड पुरा गर्नुभयो भने मात्रै दोस्रो जन किस्ता पाउनुहुन्छ। अब गाउँमा दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा त्यो पनि ठुलो चुनौतीको छ। अन्त अरू देशको अनुभवमा पनि एक चरणमा फेरि त्यसलाई करेक्टिभ मेजर्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई फेरि प्रबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, सुधार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा धेरै त्यस्ता गुनासाहरू नाम भनेर लगभग 4,000 यो अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विश्वविद्यालयका इन्जिनियर र आर्किटेक्चर सिभिल र आर्किटेक्चरका विद्यार्थीहरूलाई पहिचान गर्दैछौँ। प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के अखन धरि 25,87 करोड़ खर्च भेल जानकारी समेत करौलक। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल रिक्त जनशक्ति पूर्ति भेला के बाद मात्रे पूंजीगत खर्च कर सहज होबाक स्पष्ट कलन। प्राधिकरण अखन धरि 5% मात्रे पूंजीगत खर्च केने कहित समितिक सदस्य सब आलोचना केने छल।
राप्रपा नेपाल सँग अलग भेल नेता केशर बहादुर बिष्टकै नेतृत्वमा सेरेमोनियल राजतन्त्र सहितको एजेन्डा लगा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण भ रहल छ। अमेरिकामा राजनीतिक घुरल दर्शन रोनियार सँग 17 वर्ष जेल जीवन बिताउने एमाले नेता मोहन चन्द्र अधिकारी धेर यी राजावादी शक्तिमा जुड रहल छ। अहिले सुरुमै अभियानको रूपमा अगाडि बढाल जेबाक आ बादमा पार्टीको रूप देल जेबाक संयोजक बिष्ट जानकारी दिलन्। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदाय वाला दावी कैल गया अभियान से 3 एजेंडा सब बनल बिष्ट के अनुसार वही 3 एजेंडा में सेरेमोनियल राजतंत्र पुनर्स्थापना करे पड़त संघीयता खारिज करे पड़त आ हिंदू राष्ट्र कायम करे पड़त सहित के 3 एजेंडा रखल गया। आब स्पोर्ट्स न्यूज भारत के 21 वर्षीय बैट्समैन मोहित अहलावत T20 क्रिकेट में अविश्वसनीय बैटिंग कलक नया दिल्ली में भेल एक दिवसीय प्रतियोगिता में वो 72 बॉल में 63 शतक बना देने छे। एक क्रम में वो 39 छक्का प्रहार कने मोहित 63 शतक बनौने रहो स्थानीय स्तर के खेल भेला से हनक नाम में कीर्तिमान कायम होब नहीं सकल। T20 क्रिकेट में अखन धरि सबसे नमहर स्कोर के कीर्तिमान वेस्ट इंडीज के बैट्समैन क्रिस गेल के नाम में है। ओ सन 2013 के इंडियन क्रिकेट लीग में 175 रन बनने छल। ओना तो मोहित 2015 के अक्टूबर में 3 दिल्ली में फर्स्ट क्लास मैच खेलने छल। 5 इनिंग में क्रमशः 1-4-0-0 आ 0 रन मात्र बनाब सकला के बाद ड्रॉप कैल गया छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से मधेसी समुदाय से आए घड़ी पावनि मनाओल जा रहा पारिवारिक सुख शांति के लिए कुल देवता के पूजा आराधना भ रहा। मधेसी मोर्चा दबाव दिला से स्थानीय चुनाव के मिति घोषणा कर कठिनाई भ रहा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड के स्वीकारोक्ति। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस देशभर चुनाव अभियान संचालन करत। महाभियोग सिफारिश समिति तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्की ऊपर महाभियोग लगाब के जरूरत नहीं रहल निष्कर्ष निकाललक। बिमस्टेक के सदस्य राष्ट्र सब के 4 शिखर सम्मेलन सन 2017 के अंत में नेपाल में है। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह नमस्कार।